Om Shri Paramatmane Namaha. Ato Ashtadashodhyayaha. Arjuna Uvacha. Sanyasasya Mahabaho. Tattvamikshami Veditum. Tyagasya Charishikesha. Prathakeshi Nishudana. Shri Bhagavan Vacha. Kamyanam Karmanam Nyasam. Sanyasam Kavayo Viduhu. Sarva Karma Falatyagam. Prahustyagam Vichakshanaha. Tyajyam Doshavaditeke. Karma Prahur Manishidaha. Yajna Dana Tapa Karma. Natyajyamiti Chapare. Nishchayam Shudume Tatra. Tyage Bharata Sattama. Tyago Hi Purusha Vyagra. Trivida Samprakirtitaha. Yajna Dana Tapa Karma. Natyajyam Karyameva Tata. Yajna Dana Tapaschaiva. Pavanani Manishinam. Pavanani Manishinam. Kamyanam Ashwamedhadinam. Na, ek humming aa rahi na. Karmanam Nyasam. Parityagam Sanyasam. Sanyasa Shabdartham Anushthayatvena Praptasya Anushthanam Kavayaha Panditaha Kichit Viduhu Vijananti. Nitya Naimittikanam Anushthiyamananam Sarva Karmanam Atma Sambandhitaya Praptasya Phalasya Parityaga Sarva Karma Phalityaga Tam Prahu Kathayanti Tyagam Tyaga Shabdartham Vichakshanaha Panditaha. Yadi Karma Kamya Karma Parityaga Phal Parityaga Va Artho Vaktavya Sarvatha Api Tyagamatram Sanyas Tyaga Shabdayoho Eko Artho Na Ghatapat Shabdo Iva Jatyantar Bhutartho. Nanu Nitya Naimittikanam Karmanam Phalam Eva Nasti Iti Ahu Katham Uchyate Tesham Phalam Tyaga Iti Yatha Vandhayam Putra Tyaga Na Isha Doshah. Nityanam Api Karmanam Bhagavata Phala Phalavatvatsya Ishtat Tattvat Vakshati Hi Bhagavan Anishtam Ishram Iti Tu na sanyasinam iticha sanyasinam evahi kevalam karma phalasambandham darshayan anya asanyasinam nitya karma phalapraptim bhavatyaginam pretya iti darshayati. कल के प्रवचन में
ये बात सामने आई कि अर्जुन ने एक ही श्लोक में भगवान के बेस कम कर लिया, भगवान के तीन नामों का संबोधन किया। एक नाम बोलता है महाबाहो, एक नाम बोलता है ऋषिकेश और एक नाम बोलता है केशी निषूदना। कल इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि जो केशी नाम के राक्षस को भगवान ने मारा इसलिए उनका नाम पड़ा केशी निषूदन। केशी नाम के राक्षस को क्या कहा गया? विशेष तो अलग था, ये सामान्य था। देखो जी, हाँ, सामान्य क्या? तो जो चित्त में चंचलता बनी हुई है उसके दो प्रकार है। एक व्यक्ति होता है सामान्य चंचल और एक है विशेष चंचल। कल मैंने आपको भागवत का दृष्टांत दिया कि एक बवंडर आया और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चला गया। ऐसे ही जब चित्त में क्रोध या कामना की अवस्था आती है तो वो व्यक्ति को कहीं से उठाकर कहीं पटक देती है। ध्यान रखें, वो विशेष है। कोई विशेष कामना आने पर, कोई विशेष क्रोध आने पर व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। और जब बवंडर शांत होता है, जब मन शांत होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्या से क्या बोल दिया, क्या उत्तर दे दिया मैंने, मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तब आप समझ लेना कि आपके अंदर वो राक्षस घुस गया। कौन? हाँ, विशेष राक्षस, तणावर्त। जब सामान्य राक्षस कहा गया तो उसको क्या कहा गया? केशी। और कल इसके उपाय की भी बात हमारी आपकी हो गई कि ज्यादा जूडो कराटे करने से ये चीजें जाती नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से यह रोग चला जाए यह तो संभव नहीं। जब तक वृत्ति भगवताकार ना हो जावे तब तक यह रोग जाता नहीं है। कल मैंने कहा यह रोग दब जाता है, छिप जाता है, सप्रेस हो सकता है। इको बढ़ा लें, सप्रेस हो सकता है लेकिन नाश नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर भी ऐसी ही चीजें, कामनाएं हैं जो वक्त आने पर हमको दिख जाती हैं, लेकिन कभी नहीं दिखती तो हमें यह भ्रम होने लगे कि यह मुझ में है ही नहीं। तो आप समझ लेना कि आप धोखा खा रहे हैं। अब इस अध्याय के सार पे आ जाइए। जो अर्जुन ने पूछा, भगवान त्याग और संन्यास किसको कहते हैं, ये प्रश्न था। भगवान ने इसका उत्तर दिया था कल, वो भी देख लीजिए क्या कहा गया। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, कर्मों के न्यास को संन्यास कहते हैं। न्यास मतलब छोड़ना। कर्मों को छोड़ने को संन्यास कहते हैं। दूसरा कहा गया सर्म सर्व कर्म फल त्यागम न्यासम, कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म तो चल रहा है लेकिन कर्म से जो बुद्धि हमारे चित्त में बनी हुई है वह बुद्धि का त्याग हो जावे। ध्यान रखिए, कर्म का त्याग नहीं, कर्म से बनने वाली जो फल की बुद्धि चित्त में व्याप्त है वह फल की बुद्धि का न्यास हो जाना। हाँ,
और त्याग है। यह दो परिभाषाएं चित्त में जागृत रहनी चाहिए। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, सर्व कर्म त्यागम नहीं, सर्व कर्म फल त्यागम। मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कर्म तो करता ही है, यह है कि उसके फल की उसने क्या कर दी, त्याग कर दिया। ये चर्चा हमारी आपकी चल रही थी। यहां जो एक शब्द आया काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, यही शब्द दर्शन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो कुछ कर्मों का त्याग व्यक्ति कर ही नहीं सकता, उन कर्मों का नाम दिया गया नित्य कर्म। यहां से इसको बड़े ठंडे दिमाग से सुलझा सुलझा के समझिए। एक तो नित्य कर्म की परिभाषा क्या होगी, तो पहला जो उसके शब्द पर जोर दीजिए, जो प्रतिदिन किया जावे, जो प्रतिदिन किया जाए वह नित्य कर्म है। मतलब उसको व्यक्ति एक दिन भी छोड़ नहीं सकता है। ऐसे कुछ कर्म प्रतिदिन मानव के हैं जो वह कभी भी छोड़ नहीं सकता है, उन कर्मों को क्या कहते हैं, नित्य कर्म। दूसरा शास्त्र में परिभाषा दी गई अकरणे प्रत्यवायः, जिनके करने पर तो कुछ विशेष प्राप्ति नहीं हुई लेकिन न करने पर कुछ दुख प्राप्त हो गया। पहले यह दो तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, करने पर कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ न करने पर हाँ फिर दुख की प्राप्ति हो गई। एक व्यक्ति है, वह प्रतिदिन नौकरी जाता है, प्रतिदिन नौकरी जाता है। अच्छा, ये भी चर्चा चली है। दो प्रकार के मत हैं। भगवान ने इस मत को फिर बाद में यह स्वीकार किया कि नित्य कर्म का भी फल होता है। यह कहना कि नित्य कर्म का कोई फल ही नहीं होता, यह बात व्यवहार में दिखाई नहीं देती है। हां, अब ये चर्चा सावधानी से सुनिएगा। नित्य कर्म का कोई विशेष फल तो नहीं होता, लेकिन नित्य कर्म का सामान्य फल होता है। देखो, अब एक नया टर्म जोड़ दिया, सामान्य फल और एक विशेष फल। नित्य कर्म करने से भी व्यक्ति को सामान्य फल की प्राप्ति होती है। यह कह देना कि नित्य कर्म से कोई फल ही नहीं प्राप्त होता, तो यह व्यवहार में दिखाई नहीं देता। जैसे एक व्यक्ति नौकरी करने जाता है, डेली जाता है, 9 बजे जाता है, 5 बजे वापस आता है, इस कर्म को अब आप क्या कहोगे? अब क्या इस नित्य कर्म का कोई फल नहीं है? 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, यदि यह नित्य कर्म है तो इस नित्य कर्म का कोई फल नहीं है क्या? इसलिए यह कह देना कि नित्य कर्म का कोई फल ही नहीं होता, यह बात तर्क युक्त नहीं होती। भगवान, ये आखिरी पैरा देखिएगा, एक प्रश्न किया है, प्रश्न उठा देता हूं मैं, ये सेकंड लास्ट पैरा देखिएगा।
ननु ननु मतलब प्रश्न है, एक जिज्ञासु का प्रश्न क्या है, नित्य नैमित्तिकानाम कर्मणाम फल एव नास्ति। बोलता है महाराज मैंने ऐसा सुना है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का कोई फल नहीं होता है। सही सुना है, अकर्णे प्रत्यवाय, इतनी बात तो सही सुनी तुमने। प्रश्न देखिएगा, नित्य नैमित्तिकानाम कर्मणाम फलम एव नास्ति, इनका तो कोई फल होता नहीं है। जब इनका फल होता ही नहीं है तो इनके त्याग की बात क्यों कही जा रही है? देखो प्रश्न कैसा अधिकारी ने उठाया है, जब फल ही नहीं होता है तो इनके त्याग की बात। तो बोले किसने कहा तुमको त्याग करने को, किसने कहा तुमको त्याग करने को? उत्तर क्या देते हैं, भगवान ने ही क्या बोला है, क्या उत्तर दिया भगवान ने, सर्व कर्म फल त्यागम। संगति बैठा ला सावधानी से, भगवान ने ही तो कहा है कि सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। मुमुक्षु का प्रश्न है साधक का कि जब इनका कोई फल होता ही नहीं है तो इनके त्याग की बात क्यों कही जा रही? आप तो वो बात कह रहे हैं कि बंध्या के पुत्र का विवाह कर दो। अरे जब बंध्या के पुत्र होता ही नहीं है तो बंध्या के पुत्र के विवाह की बात क्यों करते हैं आप? ऐसी बात आप क्यों करते हैं जो संभव ही नहीं है? तो ननु नित्य नैमित्तिकानाम कर्मणाम फलम एव नास्ति इति आहु। इति संस्कृत अब समझ में आ रही होगी आपके। कथम उच्यते तेषां फलत्यागः। देखो उसका आक्षेप किसका है, भगवान के दूसरे वाक्य पर। और भगवान ने क्या बोल दिया है, सर्व कर्म फल त्यागम। वो कहता है ये बात सच नहीं है। क्या सच नहीं है? आप अपनी ये बात वापस लीजिए कि सभी कर्मों के फलों का त्याग किया जाता है। तो क्या कहना चाहते हो? कुछ कुछ ऐसे फल हैं जिनका त्याग नहीं किया जाता, ऐसे कर्मों का कोई फल ही नहीं आता, तो उनके त्याग की कोई बात तो। भाष्यकार कहते हैं न एष दोषः, तथा बंध्यत्याग बंधायाः पुत्र त्याग। कोई बंधा जो जिस स्त्री के पुत्र नहीं है बंध्या के, वह अपने पुत्र के त्याग की बात कहे तो कहाँ से संभव है? पुत्र ही नहीं है तो फिर त्याग कहाँ से होगा? भाष्यकार ने उत्तर दिया न एष दोषः। देखो ये दूसरा मत है, इसको भी सदैव याद रखिएगा। नित्य कर्म का भी फल होता है, ये बात को दिमाग में ठूस लीजिए। हाँ एक जरूर इस दृष्टि से कहा गया है कि नित्य कर्म का एक विशेष फल नहीं होता। अब ये आपको अंतर करना आना चाहिए, सामान्य और विशेष। नित्य कर्म का विशेष फल नहीं होता, लेकिन नित्य कर्म का एक सामान्य फल तो होता ही है। तो नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवतः फलवत् इष्टत्वात्। देखो यह बात भगवान को इष्ट है, इसमें दोष नहीं है। देखो जी, क्योंकि इसका भी एक फल होता है। अब आपको मैं व्याख्या या इसका ट्रांसलेशन सामने रखता हूँ। नित्य कर्म से सामान्य फल की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई किसी का प्रश्न रह गया? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ मैंने अभी बोला ना, जो जाने पर कोई चीज विशेष नहीं मिली
जाने पर आपको कुछ विषय, इसीलिए मैंने एक शब्द बोला था अकरणे प्रत्यवाय, सुबह प्रातः काल उठ के ब्रश कर लिया, यही चीज ये नित्य है। ओहो जरा समझिए भैया, जो एक वाक्य है उसको समझिए। करणे शब्द नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? अकरणे। अकरणे मतलब अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आपके दांत दोष आया कि नहीं आया? नहीं स्नान किया तो शरीर में दुर्गंध, आपने अपने मलमूत्र का विसर्जन प्रतिदिन नहीं किया तो शरीर में रोग होगा। अच्छा अगर आपने ये सब कर दिया, ये सब कर दिया तो कोई इनाम देगा आपको? पर मैं नहीं करने पर दोष की प्राप्ति, लेकिन करने पर आपको कोई विशेष इनाम। यहां भाष्यकार कहते हैं इसका भी एक सामान्य फल, तो क्या सामान्य फल है? अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपको कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य की प्राप्ति तो व्यक्ति को हो ही गई, तो ये स्वास्थ्य भी तो क्या हुआ? अब ये आप उससे पूछो जिसको ये बैठे हैं डॉक्टर, जिसको रात भर मूत्र विसर्जन नहीं हुआ है, उससे अभी जाके आप प्रातःकाल पूछिए। हम लोगों के लिए जो सुलभ है और जिसके लिए वो सुलभ नहीं है, उन दोनों में अंतर देख लो। हमने अपने वह सब नित्य क्रियाएं की तो हमको कोई विशेष इनाम तो आज मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिसने नहीं की है उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति, इसका मतलब नित्य कर्म से एक सामान्य फल की उत्पत्ति होती है, विशेष फल की उत्पत्ति। उदाहरण के लिए मैंने दिया जैसे यह सब क्रिया करने से स्वास्थ्य की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। अच्छा आप देखो, आपका ध्यान सिर्फ दो शब्दों पर रहना चाहिए, किस पे? सामान्य फल और विशेष फल। अच्छा इसी से नित्य कर्म से ही एक मिलता जुलता शब्द है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म में भी विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नित्य कर्म में भी विशेष फल की प्राप्ति नहीं है तो नैमित्तिक कर्म में भी विशेष फल की प्राप्ति नहीं है। नैमित्तिक कर्म क्या हुआ? भाई किसी के यहां मृत्यु हो गई तो आप उसके यहां बैठने चले गए, तो आपको न करते तो, न करते तो संभवतः दोष आता, लेकिन किया तो व्यक्ति क्या कहता है? ये एक सोशल नॉर्म है, दुश्मन भी व्यक्ति चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये तो समाज का एक क्या है? नियम है। ऐसे प्रसंगों पर व्यक्ति क्या करता है? जाता ही है। तो आपको कोई विशेष इनाम की प्राप्ति, अच्छा नित्य कर्म में भी कोई विशेष फल की प्राप्ति, नैमित्तिक समझ में आ गया। हम और आप समाज में ऐसे कई कार्य करते हैं जहां जाने पर हमको कोई विशेष पुरस्कार की प्राप्ति, वह तो समाज का एक नियम है इसलिए करते हैं, तो वहां पे भी विशेष फल की प्राप्ति। तो अच्छा अब दोनों में अंतर क्या है? नित्य कर्म में और नैमित्तिक कर्म में अंतर क्या हुआ? एकदम दिमाग जागृत रहे भैया,
नित्य कर्म प्रतिदिन करना पड़ता है, लेकिन नैमित्तिक कर्म ओकेजनली। लेकिन दोनों में सामान्य अंश क्या है? विशेष फल की प्राप्ति नहीं। बुद्धि दौड़ रही कि नहीं? नित्य कर्म में भी विशेष फल की प्राप्ति नहीं है, नैमित्तिक कर्म में भी विशेष फल की प्राप्ति, लेकिन नित्य कर्म प्रतिदिन करना पड़ता है, नैमित्तिक कर्म कभी कभी करना पड़ता है, वहां पर भी किसी विशेष फल की प्राप्ति नहीं। तो देखो भाई, तो नित्य कर्म प्रतिदिन है, नैमित्तिक कर्म कभी कभी है, नित्य कर्म में भी सामान्य फल है, हाँ नैमित्तिक कर्म में भी। अच्छा आप देख लो, एक और कर्म आपने कहा, उसको बोला काम में कर्म, तीन शब्द आ गए, नित्य कर्म, नित्य कर्म में भी विशेष फल नहीं है, नैमित्तिक कर्म उसमें भी विशेष फल नहीं है, काम में फल। अब काम में कर्म में दोनों में सामान्य अंश क्या है? नैमित्तिक में और काम में सामान्य अंश क्या है? दोनों ही कभी कभी है। बुद्धि दौड़ रही कि नहीं? नैमित्तिक भी आप कब करते हैं? ओकेजनली। काम में कर्म, काम में कर्म मतलब मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे धन की प्राप्ति चाहिए, मुझे यश की प्राप्ति चाहिए, तो आपने क्या किया? विशेष आयोजन करवाया कुछ। दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो वह जो कर्म कहलाएगा क्या कहलाएगा? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो नैमित्तिक भी निमित्तवशात है, तो काम में कर्म भी कभी कभी होता है, लेकिन नैमित्तिक का फल सामान्य है, लेकिन काम्य का फल, ये देखो ये अंतर आ गया। मेरे ख्याल से अब ये दिमाग में आपके तीन चीजें आ गई, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये आपके प्रतिदिन में आने वाली चीजें हैं, इसलिए ये गिनाई जा रही हैं। नित्य कर्म डेली करता है, ठीक है, नैमित्तिक कर्म कभी कभी करता है, काम्य कर्म कभी कभी करता है, नित्य कर्म में फल सामान्य है, नैमित्तिक में फल सामान्य है, काम्य में फल विशेष है, इसमें कोई अंतर रह गया? जो झगड़ा है वो इसी बात का है, सर्व कर्म फल त्यागम। भगवान बोलते हैं इनका भी, नित्य और नैमित्तिक का भी एक सामान्य फल तो होता ही होता है। अच्छा एक कर्म और ले लीजिए, ये आपको मैंने सब पहले गीता में पढ़ा है, चौथा जो फल है, कर्म है, उसको बोलते हैं प्रायश्चित, और थोड़ा और सरल कह दें, गृहस्थ को इन चार कर्मों को करना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को इन चार कर्मों का पालन करना ही पड़ता है, किसका? नित्य का, नैमित्तिक का, काम्य का और अप्रायश्चित। मतलब क्या हुआ? इसमें किस फल की प्राप्ति होगी? ना तो सामान्य, ना तो विशेष। क्लिष्टता कैसी है? कर्म में दोष आ जाने पर, कर्म में दोष आ जाने पर उस कर्म के फल को शमन करने के लिए किया गया दूसरा कर्म प्रायश्चित कहलाता है। इस
इससे ज्यादा इसको नहीं किया जा सकता एक्सप्लेन। कर्म में दोष आ जाने पर उस कर्म के फल को शमन करने के लिए, शमन करने के लिए मतलब रोकने के लिए, कर्म के फल को रोकने के लिए दूसरे कर्म का अनुष्ठान किया गया। दूसरे कर्म का अनुष्ठान पहले कर्म के फल को रोकने के लिए, तो ये सामान्य फल तो हुआ नहीं और यह विशेष फल भी, विशेष फल भी नहीं, किसी विशेष की उत्पत्ति तो होने वाली नहीं है। ये तो पहले वाले को ही क्या कर रहा है, नहीं उसको लीक पे एकदम नहीं फड़ना। जो आपने किया, जिस कर्म को किया उसी कर्म को तो आप समाप्त करने की क्या कर रहे हो, किसी कर्म के फल की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। जो इशारा है वो समझना, किसी कर्म के फल की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, किसी कर्म के फल को नाश करने के लिए दूसरा कर्म किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने क्या बोला, कर्म में दोष उत्पन्न होने पर, आप देखो आप प्रायश्चित करके दिखाओ आप। अब प्रायश्चित की तो हमारे यहां बड़ी बड़ी विधियां कहीं की, महात्मा गांधी ने एक प्रायश्चित बताया था, वो आपके सामने रखता हूं। हाँ, क्या चीज, ठीक है। हाँ, आपने किसी विधर्मी के पुत्र को मार दिया, मुस्लिम को मार दिया, उसके पुत्र को मार दिया, अब उसका प्रायश्चित क्या है, तो जिस धर्म के व्यक्ति को आपने शिशु को मारा है उसी धर्म के बालक को गोद लेकर अपने बालक की तरह से पालना, यह महात्मा गांधी का था, यह प्रायश्चित है। तो आपके कोई विशेष फल की उत्पत्ति तो हुई नहीं, लेकिन जो पहले वाला आपने किया था उसको नाश करने के लिए ही ये कर्म क्या करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है। कोई पाप हो गया उसके लिए आप गंगा जी में गए, तो गंगा जी से किस विशेष फल की प्राप्ति तो होने वाली अब, लेकिन जो किया था उसी को क्या करने के लिए गए, उसी के लिए माफी के लिए गए। तो ये चार कर्म आपके सामने मैंने रखे, कौन कौन से कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और भगवान का कहना है इन सबको नित्य कर्म में जोड़ लो आप। एक व्यक्ति को हर दिन करने ही पड़ते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित और काम। भगवान बोलते हैं इनका सबका एक सामान्य फल तो आता ही है सबका। देखो, नित्य का भी एक सामान्य फल हो गया, नैमित्तिक का भी सामान्य फल हो गया, काम कर्म विशेष फल ही है, और एक दृष्टि से प्रायश्चित भी आपने कर लिया तो ये भी एक प्रकार का फल आ गया, लेकिन ना तो ज्यादा सामान्य है ना तो बहुत ज्यादा विशेष है। अच्छा, अब इन सभी कर्मों में साम्यांश क्या है, कामना। यदि कर्म का संपादन हो रहा है तो उसमें कामना तो चाहे नित्य कर्म होवे, अब कामना भले सामान्य फल की ही होवे, है तो जरूर है कामना, तो नित्य कर्म में भी फल है मतलब कामना है, नैमित्तिक में भी कामना है, प्रायश्चित में भी कामना है, और कौन सा रह गया, नित्य, नैमित्तिक, कर्म और प्रायश्चित, इन चारों में ही क्या है, इसमें किसी को मतांतर रह जाता है, मतलब सामान्य फल ही हो गए। स्वास्थ्य की कामना है या नहीं है सोच के देखो, हर व्यक्ति स्वास्थ्य की कामना तो ये भी तो एक कामना तो हुई, इसलिए भगवान का ये कहना था
जो उस शिष्य ने प्रश्न उठाया, आपने सर्व कर्म क्यों बोल लिया? देखो, एक शब्द पे इतना उसने लड़ाई की, कि शब्द पे सर्व कर्म फल त्यागम। भगवान ने बोला हर कर्म का अपना एक फल तो होता ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ उन सब फलों को छोड़ने की बात कह रहा हूँ। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? देखो, अब ये जाके मानता है। अब मैं थोड़ा उलट पुलट करता हूँ, इसलिए मैंने बोला था 18वां अध्याय सब पहले से जुड़ा हुआ है। तो दो शब्द आ गए, संन्यासम त्यागम, चित्त में ले आइए। काम्य कर्मों का जो त्याग है वह सन्यास है, कर्मों के जो फलों का त्याग है वह त्याग है। ठीक है, थोड़ा और पहले अब ले जाते हैं। ये बात भगवान ने, अब अध्याय जरा ढूंढिएगा, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शुणु, ये श्लोक कहाँ आया? जरा ढूंढिए कहाँ भी। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शुणु। हाँ, टू का ना, ये श्लोक क्यों खुला रहा हूं? सर्व कर्म फल त्यागम, यही शब्द है ना आपका 18वें अध्याय का, कर्म के फलों का त्याग। ये देखो, यहां देखो सूत्र कहां से है, इसलिए कहा गया सर्वार्थ गीता सारह। इसीलिए भाष्य ने इसके संबंध भाष्य में लिखा था पूरे 17 अध्याय का सार है ये। देखो कहां से मिलता है, 39वां श्लोक। अर्जुन, मैंने तुम्हारे सामने दो बुद्धि रखी, और ये बात भगवान ने कब कही है? ये बात भगवान ने कब कही? दूसरे अध्याय में। एषा ते विहिता सांख्ये, सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शुणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जो व्यक्ति योग बुद्धि से जुड़ गया, वह अपने कर्म के बंधन को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। ये कर्म योग है। देखो, ये मतलब मैं आपको सिर्फ यहां ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कर्म बंधम शब्द की व्याख्या भगवान ने अध्याय दो में पहले ही क्या कर दी है, कर दी है। मिल गया आपको ये सूत्र, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शुणु बुद्ध्या युक्तो। जो व्यक्ति इस कर्म योग से जुड़ गया, एक है सांख्य योग, एक है बुद्धि, उसको योग मतलब कर्म योग। जो भी कर्म योग से जुड़ गया, उसके कर्म का त्याग नहीं हो सकता। अवधानी से, कर्मयोग करने वाले साधक के कर्म का त्याग नहीं हो सकता। कर्मयोग करने वाले साधक के अंदर हाँ फल का त्याग हो जाएगा। ये फल का त्याग कहाँ कहा जा रहा है? सर्व कर्म फल त्यागम। कहाँ से कहाँ है? यही नहीं, देखो अब ये इसको बहुत सरल भाषा में पहले ही गीता अध्याय भाष्य का पहला पन्ना खोलिए, जहां शंकराचार्य की फोटो है। और जिन्होंने पहले पढ़ा है उसमें अंडरलाइन होगी, वो अंडरलाइन पढ़ के सुनाइए जरा क्या है। हम्म,
लिया द्विविधो ही वेदोक्तः धर्मः। मैं आपको दोनों दिखाता हूं, वेद में क्या कहा गया और गीता में क्या कहा गया। वेदो द्विविधो ही वेदोक्तः धर्मः, वेद में दो प्रकार के धर्मों की बात कही गई। एक लक्षण है प्रवृत्ति लक्षण और दूसरा लक्षण क्या है निवृत्ति लक्षण। जो सन्यास है, अब सावधानी से सुनिएगा, जो सन्यास है वह निवृत्ति लक्षण है, जो सन्यास है वह निवृत्ति लक्षण है जिसमें कर्मों की त्याग की बात कही गई। एक पंक्ति में तीनों चीजें आ जानी चाहिए। अब सन्यास, हाँ, उसी को निवृत्ति कहा गया और उसी को कर्मों का सन्यास कहा गया। अच्छा, उसका उल्टा है, जिसको कर्म के फलों का त्याग कहा गया उसको कहा गया प्रवृत्ति धर्म, उसको सन्यास नहीं कहा गया, उसको क्या कहा गया त्याग। उसी को कौन सी साधना कही गई आपके यहां, कर्मयोग। इसमें भ्रम रह जाता है, मतलब वेद की भाषा में, वेद की भाषा में सन्यास और त्याग को क्या कहेंगे, वेद की भाषा में प्रवृत्ति और निवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। किसको प्रवृत्ति कहा, बोलिए सभी, किसको कहा गया, सर्व कर्म फल त्यागम, ये कैसा हो गया प्रवृत्ति। लेकिन कर्मों को ही स्वरूप से छोड़ देना, अभी ये भी आएगा, कर्मों का मतलब आग के पास जाना ही नहीं। लो जी, ना निरग्निर न चाक्रिय, आया नहीं छठा अध्याय, ये क्या हो गया सन्यास हो गया। हम लोग किस धर्म का पालन कर रहे हैं, सन्यास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सर्व कर्म फलत, कर्म करें बुद्धि से, फल की बुद्धि को क्या कर दें छोड़ दें। तो ये वेद में जिसको प्रवृत्ति निवृत्ति कहा गया, 18वें अध्याय में जिसको सन्यास और त्याग कहा गया। अच्छा, एक ऐसे ही महाराज जी के सत्संग में ऐसा सुनने को मिला शाखंडानंद जी ने कि यह जो श्लोक आता है सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मान परित्यज्य, तो यहां किसकी बात छोड़ने की कही गई है, सर्व धर्मान परित, मतलब अधर्मान को तो पहले ही क्या कर दिया। देखो, एक सामान्य जो गृहस्थ है, ये श्लोक की जरूरत क्यों पड़ी देखो आप, एक सामान्य गृहस्थ को यदि स्वस्थ और प्रसन्न रहना है तो स्वामी जी का यह मत था कि यदि वह अन्वय और व्यतिरेक की प्रणाली से जीवन जिए तो जो गृहस्थ है वो प्रसन्न है। बोले आप क्या कह गए, ये कहा जा रहा है वह गृहस्थ व्यक्ति यह देखे कि किसके करने पर गृहस्थ में शांति है और किसके न करने पर, दोनों चीजें अजमा के देख ले, वो विनम्रता से शांति है कि क्रोध से शांति है, करने से शांति है कि न करने से शांति है, जाने से शांति है कि न जाने से शांति, वो क्या कर ले व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति कर ले। इस शैली को क्या बोलते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय मतलब कर लो,
व्यतिरेक मतलब ना करो। अब जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसके दिमाग में क्या आ जाता है, इसके संग से शांति है और इसके संग से अशांति है, ऐसा करने से शांति मिलती है और ऐसा करने से अशांति, ये उसके दिमाग में क्या हो गया, बैठ गया। तो उसने अधर्म को तो पहले ही क्या कर दिया, अगर वो सही गृहस्थ होगा तो अधर्म को तो उसने पहले ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, अब श्लोक क्या बोलता है, अधर्म को तो पहले ही छोड़ दिया, अब जो अधर्म रह गया है ना, ओ जो धर्म रह गया है ना उसको भी छोड़ दो। ये धर्म को छोड़ना मतलब क्या, धर्म को छोड़ने का मतलब ही है सन्यास। अभी आखिरी इसकी आप देखो, एक मैं तो अपने सन्यास धर्म का ही आपको बताता हूं। मान लीजिए कि एक ब्रह्मचारी है, उस ब्रह्मचारी के लिए जो विहित है वह विहित यह है कि वह गायत्री की उपासना करे और संभव हो सके तो तीनों काल वो क्या करे पता है, संध्या करे, ये ब्रह्मचारी के लिए विहित है। वह शिखा रखे, शिखा रखे, अग्निहोत्र करे, गायत्री की साधना करे, ये क्या है उसके लिए, ये उसके लिए धर्म है। लेकिन जब उसी ब्रह्मचारी को संन्यास दे दिया जावे तो अब यज्ञोपवीत पहनना उसके लिए क्या हो गया, बोलिए ना, वो अधर्म हो गया। अब अग्निहोत्र करना उसके लिए क्या हो गया, धर्म हो गया। अब अग्नि के पास जाना उसके लिए क्या हो गया, अधर्म हो गया, जो कि पहले उसके लिए क्या था। तो जो उसके लिए धर्म था, ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर उसको अपने धर्मों का भी त्याग करना। अब आप अपने गृहस्थ धर्म का उदाहरण खुद ले लीजिए, एक समय तक सीमा तक भोग की अनुमति आपको क्या दी गई, दी गई। अब वही चीज आपको आपके वृद्ध क्या उपदेश करेंगे कि अब आपको भोग नहीं करना, तो जो भोग आपके लिए विहित था वह भोग आपके लिए अब क्या हो गया, बहुत ही क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ध्यान रखना। संभवतः वही गुरु किसी को बोले कि ये करना चाहिए, वही गुरु दूसरे को क्या बोल सकता है, मतलब एक को ये बोलता है कि तुम तो ओम का उच्चारण करो, संभवतः दूसरे को बोल सकता है कि इसके चक्कर में मत पड़ो, ये फालतू की चीजें। दूसरे को कह सकता है तुम तो ओम का उच्चारण मुंह से निकालो ही नहीं। आप लोग अब गलत कौन हुआ, हमको क्या लगेगा, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता ही, हमारी दृष्टि तो यही रहेगी ना। लेकिन उस गुरु को ये पता है कि यह व्यक्ति इस चीज का अधिकारी नहीं है, इसलिए इसको यह करना शोभा। आपका ही कोई अभी पुत्र होवे, पुत्री होवे, वो लाल चुंगा पहन के और सब ये प्रवचन इत्यादि करने लगे, तो ये क्या बुरा कर्म है। लेकिन आप क्या कहेंगे, कर्म अच्छा है लेकिन ये कर्म तुम्हारे लिए हो गया ना। इस बात को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। भगवान इसी में आएगा तो आपको पढ़ाऊंगा,
सर्व धर्मान परित्यज्य, आखिर धर्मान शब्द का अर्थ क्या होगा? हिंदू मुस्लिम बोला जाए, जो आपके विहित कर्म हैं उस विहित कर्मों को भी क्या करिए। अब ये व्यक्ति से नहीं हो पाता, उसको लगता है इतने सालों से तो मैं कर रहा हूँ। मतलब अगर एक लोटा पानी दे रहे हैं और किसी दिन आपसे उस गुरु ने कहा कि अब लोटा से पानी देना छोड़ दो, तो व्यक्ति को क्या, ये कैसे हो सकता है, मैंने जीवन भर तो भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक काम करो माम एकम, ये जो दर दर ठोकरे खा रहे हो ना इधर उधर, ऐसे लगा कि मानो हनुमान जी कल ही पैदा हो जाएंगे, कल ऐसा लग रहा था। वो धूम धड़ाका, वो व्हाट्सएप, वो मैसेज धमाधम, शायद हनुमान जी भी ये सब देखते तो वो भी कहते कि शांति से बैठ जाओ भाई, राम नाम कर लो। आप देख रहे हो सर क्या फिज, पहले नहीं था मैं देखता था, आप सोच के देखो। अब ये शास्त्र संगत है क्या, ये जो जोर से करना है सब चिल्लाना और सब कर देना ब्लॉक कर देना, ये कहां से शास्त्र संगत हो। संभव हुए कि आपने एकांत में बैठ के 11 बार 11 माला कर रखी हो, एकांत में बैठ के हनुमान चालीसा 108 बार कर ली हो, तो फिर बड़ी सुंदर की बात है। यह भी वह गुरु कहता है कि छोड़ो, ये किस श्लोक में कह रहा है, ये सर्वधर्मान परित्यज्य, अधर्म को तो छोड़ ही दिया, जो धार्मिक उपदेश उसको दिए गए विहित आचरण उस प्रवृत्ति को भी उसको क्या कहा गया, छोड़ने के लिए। अब ये भी आप अच्छा देखो कहां श्लोक निकालते हैं, फिर से इस चीज को ध्यान रखिए, चर्चा कहां से चालू हुई थी, त्याग और सन्यास, इसी को वेद में क्या कहा गया, प्रवृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति, गीता में इसी को क्या कहा गया, कर्मयोग कर्मयोग आ गया, द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन, अभी आपने पढ़ा द्विविधो वैदिकः धर्मः प्रवृत्तितः निवृत्ति च, पूरा आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वेद में उसी को कहा गया प्रवृत्ति और निवृत्ति, गीता में उसी को कहा गया सांख्य योग और कर्मयोग, सांख्य योग किसको कहा गया, सन्यास, और सन्यास किसको कहा गया, कर्मों को ही छोड़ देना, फल नहीं कर्मों को ही छोड़ देना, यह सन्यास है भगवान की परिभाषा। अच्छा अब आखिरी आपको और दिखा दे रहे, यह जो कर्मयोग है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसी में होगा, फलत्यागम, कर्म योग के भी दो मार्ग हैं वो याद रख लीजिए, कर्म योग के दो रास्ते हैं, एक ही रास्ता नहीं है, क्या दो रास्ते हैं, ये खोलिएगा अध्याय 12, बारह कांत 10वां 11वां श्लोक खोलिए। देखो 10वां 11वां देखिए, कर्म योग भी दो तरीके के हैं, हमको क्या लगता है भगवान के लिए कर्म कर रहा, इतना आसान नहीं है ये। देखो क्या कहा गया, अथ अभ्यासेपि, किताब खोल लीजिए अपनी 10वां श्लोक,
अभ्यासेपि असमर्थोसि। मिल गया डॉक्टर साहब? ये मिला आपको 290 पेज 290 मिला, 11वां श्लोक। अभ्यासेपि असमर्थोसि, मान लो कोई व्यक्ति साधना नहीं कर पाता, कैसा है? असमर्थोसि। असमर्थोसि मतलब नॉट कैपेबल, नहीं कर सकता, तो क्या करे? छोड़ दे? तो बोले वो एक काम करे, मत कर्म परमो भव। वो किसके लिए काम करे? मेरे लिए। बहुत सावधानी से देखना है, मत कर, कर्म तो करे, कर्म तो करे, इसका मतलब सन्यास तो रही नहीं गया, सन्यास तो रही नहीं गया, क्योंकि सन्यास में तो कर्म का ही क्या है, अवधूत है। तो उठे या ना उठे, करे या ना करे, जागे ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप पे प्रभाव पड़ने लगे तो आप समझ लो कि यस, फिर तो आपको करना चाहिए। ये क्या है, आप देखो कितना सुंदर और कितना चित्त सरल है, वो कह देता है महाराज मैं नहीं कर सकता, मेरी स्थिति तो ये नहीं है। तो भगवान ने उसको कितनी सुंदर साधना, अभ्यासेपि असमर्थोसि, एक काम करो, मत कर्म परमो भव। कर्म करो किसके लिए, ध्यान रखना इसमें सावधानी, कर्म के बाद ईश्वर नहीं, सावधानी देखना जहां फिसलन का एरिया है। मत कर्म, मत कर मतलब मेरे लिए काम करो, हमारी और आपकी परिभाषा क्या है, काम करो, काम करो और भगवान को, तो वह जो काम किया वो किसकी प्रेरणा से किया, स्वयं, यही हुआ ना, कर्म तो मैंने स्वयं की प्रेरणा से किया, ये कर्मयोग नहीं है। मत कर्म, कर्म करने के पहले ही जो प्रेरणा देने वाला होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, मैं, चलो कर्म करो। अब अगर इतना भी व्यक्ति कर ले तो आदेश से ज्यादा निषिद्ध आचरण से तो क्या हो गया, बच गया। बस सावधानी याद रखिएगा, कर्म करने के बाद, ये रटा रटाया सिद्धांत छोड़ दीजिए, ये बाबा लोगों ने भी खूब बना रखा, कर्म करो और भगवान को क्या कर दो, तो किसकी वासना की पूर्ति हुई, आपकी, मतलब सब उल्टा सीधा कर दिया। आपको पसंद है पूड़ी और पिज्जा, फिर बोलो भगवान को दे दो, बहुत सुंदर, तो किसके वासना की पूर्ति होगी। अब पंडित जी ये बोले कि नहीं भगवान को यही वाली मिठाई पसंद है ज्यादा, तो अब समझ में आता है कि पंडित जी को पसंद है कि उनको पसंद है, फिर ऐसा तो नहीं है। वो क्या प्रेरणा देते हैं वो बताओ, कौन? अब ये मेरे तो यहां समय नहीं, 12वें अध्याय पे स्वामी की, पिता की, गुरु की प्रेरणा से काम करे, हम क्या कहते हैं, अपनी प्रेरणा से उनको ट्यून करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कर्म मैं अपनी वासना से करता हूं और ट्यून किसको करने की कोशिश करता हूं, पिताजी के लिए कर रहा हूं, गुरु के लिए कर रहा हूं। ये तो आप छल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है।
कि कर्म का प्रेरणा करने वाला आप न बन के हाँ कोई और बन जाए। आ रहा अभी तो बहुत बहुत दूसरे दृष्टि से, अभी तो पहले ये स्थिति आप क्लियर कर लो। और इसके विभाग हैं, वो साधक कहता है मैं तो नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकते, मेरे अंदर तो वासना भरी पड़ी है। आप लो जी, मेरे अंदर तो इच्छाएं भरी पड़ी हैं, मुझे तो अपना कंफर्ट जोन प्यारा है। ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, मानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। लो जी, अब वो स्पष्ट कहता है आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, आप भगा दोगे उसको? भगवान बोलते हैं आओ, ये नहीं कर सकते तो ये भी किसकी साधना थी, कर्मयोग, कर्मयोग। दूसरा बोलते हैं अथैत अपि अशक्तोसि, वो देखो कर्म का प्रेरकत्व में नहीं हो सकता, ठीक है नहीं कर सकते, चलो अब दूसरा लेता हूं, अथ एतद् अपि अशक्तोसि, मैं ये भी नहीं कर सकता, तो तुम एक काम करो, जो मर्जी हो काम करो, जाओ एक काम करो, सर्व कर्म फल त्यागम। देखो ये मिलाना 18वें अध्याय से कहां आ रहा है, वहां पे भी यही शब्द आया है, ये कर्मयोग है। कम से कम जो फल आएगा उसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो। कर्म तुमने अपनी प्रेरणा से किया, मैंने मान लिया, अब जो फल आएगा कम से कम उसको तो मेरे ऊपर क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मिला, समझ में आ रहा है? तो कर्मयोग की दो स्थिति, एक हो गया मत कर्म, मत कर्म मतलब हो गया कर्म करने के पहले ही प्रेरणा देने वाला कौन होना चाहिए, ईश्वर। दृष्टांत हनुमान जी, एक भी कर्म करने की प्रेरणा उनको स्वयं से नहीं मिली है, किससे मिली है पता है, हृदय राख कौशलपुर राजा, उड़ते हैं तो पहले, उड़ने के बाद नहीं, वो तो है ही है, कर्म करने के पहले ही वो आपको कहे यस तो समझ लो हो गया काम फिर तो। लेकिन हम कर्म करने के बाद तो भी भगवान कहते चलो, सर्व कर्म फल त्यागम, ये तो कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते। तो देखो आप, ये मैं यहां से आपको मिला रहा हूं दोनों, अब आ जाइए 18वें अध्याय में। आपने अपना श्लोक देखिए, सर्व कर्म फल त्यागम, इसका मतलब ये कौन सी साधना है, कौन सी साधना है, वेद की भाषा में क्या है, प्रवृत्ति। गीता की साधना में क्या हुआ, कर्मयोग। कर्मयोग में भी कौन सी साधना, दूसरे नंबर की, मत कर्म नहीं, सर्व कर्म फल त्यागम। अच्छा, ये एक हिस्सा पूरा हो गया, सर्व कर्म फल त्यागम मेरे ख्याल से। एक श्लोक आप इस पे देख लीजिए, सांख्य योग पे, संन्यास क्या है, बोलते हैं कर्मों का त्याग हो जाए। किस कर्मों का त्याग हो जाए, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, मतलब जो विहित है, जो विहित है, जो धर्म है, जो विहित है, जो धर्म है, जो भी आपकी प्रवृत्ति है, वो सब का सब क्या कर दो, छोड़ दो। ये सामान्य साधक के लिए नहीं है, बना ना,
ये वो देखो ब्रह्मचारी के लिए करो लेकिन सन्यासी के लिए ना तुम इसको छोड़ सकते हो। आपके लिए आप भोग को छोड़ सकते हैं लेकिन जो व्यक्ति अभी अपना कुल का प्रचार और प्रसार ही करें उनके लिए आप क्या कहेंगे पुत्रोत्पत्ति आवश्यक है। यही तो उपदेश देंगे आप कि आपको पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिए, धन को कमाना चाहिए, यश को कमाना चाहिए, उनके लिए उपदेश हुआ पर आपके लिए तो उसका कंट्रास्ट। अब इसके लिए श्लोक क्या है ये मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। वो सन्यासी के लिए क्या उपदेश, सन्यासी मतलब ये लाल पीला नहीं, ध्यान रखना मन की स्थिति है कि उसकी कामना तो चित्त में रही नहीं गई है। और भगवान बोलते हैं वह जो कर्म है उसको भी क्या कर दो, अब तुम छोड़ दो। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, ये श्लोक कहाँ है, किसी अध्याय में, छठे अध्याय में, अब ये आप जरा खोज के बताओ भैया। शब्द ब्रह्मादि वर्तते, छठे अध्याय में होना चाहिए, किसका 44 आए छठे का 44। अरे कौन कौन वो कुछ और बोल रहे हैं, नहीं ये भी है, हाँ क्या आप क्या बोल रहे हैं, दूसरे का 45। नहीं त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्य, यह नहीं, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः शब्द ब्रह्मादि वर्तते, ऐसा शब्द आया है निस्त्रैगुण्यो। हाँ ये भी है छठे अध्याय का 43वां श्लोक, ये भी ठीक है यार। देखो आप देखो जितना मुझे स्मरण है, उस जिस साधक की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो इन सब चीज से ऊब चुका, उसको क्या बोलते है पता है, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, वो तो तीनों गुणों के क्या चला गया है पार, तीनों गुणों के क्या हो गया, सत्व गुण की भी उसको कोई अपेक्षा, अब बहुत मुश्किल है सन्यासी ऐसा जिसको सत्व गुण की भी कोई अपेक्षा नहीं है। देखो जी अच्छा, अब शब्द ब्रह्मादि वर्तते, ये शब्द यहां पे भी आया है, देखो जी मिल गया, ये जो 193 पेज पे है, हाँ देखो ये सही है, 194 का भाष्य देखिए, शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या दिया है बढ़िया जरा, भाष्य क्या लिखा है शब्द ब्रह्म का, मिल गया सबको, 44वां श्लोक खत्म होता है उसके तीसरी पंक्ति नीचे से सब ढूंढ लें, मिल गया क्या शब्द लिखा है, वेदोक्त कर्म अनुष्ठानम फलम अपाकरिष्यति,
जो वेद में कर्म बताए गए हैं उसको वह अतिक्रमण कर गया। कहाँ बताए गए हैं? वेद में, जो उसको करने चाहिए। अब भगवान बोलते हैं उसको करने की कोई आवश्यकता दो जी, ये स्थिति हो गई उसकी। इस व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? इस व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? सन्यासी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अब सन्यास शब्द। जिसकी मन की स्थिति इतनी ऊपर हो गई कि भगवान ने उसको खुद परमिट कर दिया। क्या कर दिया? शब्द ब्रह्म, जो भी तुम्हारे लिए नियम आचार संहिता थी, तुम उसके लिए क्या हो गए? अतीत हो गए। देखो, अब वह जो गुरुजन है वो पाठ करें या ना करें, वह ध्यान में बैठे या ना बैठे, उससे उनकी चित्त पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जिसको वह स्थिति क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है, उसके लिए वैदिक अनुष्ठान नियमों का कोई महत्व रह नहीं जाता। वह व्यक्ति कौन हो गया? वो है सन्यासी। देखो अच्छा, जल्दी जल्दी आइए, ये दूसरा श्लोक हो गया, जैसे हिंदी ट्रांसलेशन दिए में समय तो हो रहा है। त्याज्यम दोष वदित्य। अब चर्चा देखो आगे छिड़ गई, अब इसको तो आप हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। मनीषिणः मतलब वो होते मुनि, मननशीला स्वभाव यस्य, जिस साधक के अंदर मनन करने में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, जिस साधक को मनन करने में ज्येष्ठता दक्षता हासिल हो गई, कि अब वह साधक क्या कर सकता है? स्वतंत्र मनन कर सकता है। अब यहां आपको आवश्यकता नहीं है बताने की कि मनन भी कितना आसान नहीं है, ना तो शास्त्र का आलंबन है, ना तो गुरु का आलंबन है, ना श्रवण का आलंबन है। शून्य तो नहीं है आलंबन, ध्यान में आलंबन शून्य है, लेकिन मनन में अभी सब आलंबन उसके क्या हो गए? अब वो व्यक्ति मनन करता है, स्वतंत्र है मनन करने में। ऐसे मनन करने की स्वतंत्रता की सामर्थ्य जिसके अंदर है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मनीषी। क्या बोलता है मनीषी? अब एक मनीषी नहीं है, मनीषिणः, मनीषियों का मत है। क्या मत है? क्या मत है? सुनो भाई, बोलते हैं त्याज्यम दोषवत्। बोले चाहे कोई भी कर्म होवे, अब लो तो चाहे कोई कर्म होवे मतलब नित्य कर्म होवे, नैमित्तिक होवे, प्रायश्चित होवे, किसी प्रकार का भी कर्म होवे, सब में दोष है। सर्वारंभा ही दोषीण धूमेनाग्नि रिवाव्रता, जहां जहां कर्म है वहां वहां धुआं है। धुआं है मतलब दोष है। इसलिए अर्जुन, ये मनीषी कह रहा है, सभी कर्मों को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अब किसने कहा? किसने कहा ये? तो इस मनीषी का मत है किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा ये मनीषी का मत समझ में आ गया, आप भी बताइए आपका क्या मत है। बोलते और सुन लो भी, च अपरे, अपरे मतलब दूसरे अन्य मनीषी, वो लोग भी मनीषी ही हैं। देखो विचारकों के सब मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नाः, दूसरे अन्य अपरे मनीषिणाः, दूसरे मनीषी लोग क्या कहते हैं? ये बात सही है कि कोई भी कर्म करें, कोई भी कर्म ध्यान रखना वह दोषी ही है,
लेकिन कम से कम इन तीन कर्मों को जरूर करना चाहिए, भले ही दोष हैं। ये किसने बोला? अपरे मनीषिणा, ये लोग भी ध्यान रखना मनीषी हैं, इनका मत इनसे अलग है। हालांकि कर्मों में दोष है, लेकिन यह तीन कर्म जरूर करने चाहिए। कौन कौन से? यज्ञ, दान, तप। ये कहां से आ गया यज्ञ, दान, तप? ये 17वें अध्याय से आ गया, लेकिन इसमें एक चीज छोड़ दिया, आहार। आहार क्यों छोड़ दिया? आहार को त्याग करने से कोई व्यक्ति मानने वाला तो है ही नहीं। वो व्यक्ति आहार तो क्या करेगा, करेगा, उसका त्याग तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो जिस बात को किया नहीं जा सकता, उसको उपदेश देने से क्या फायदा? तो भगवान ने आहार शब्द को तो क्या कर लिया, हटा लिया। अब कितने शब्द लगा दिए? तीन। दोष होते हुए भी यह तीन कर्म करने चाहिए। कौन कौन से? यज्ञ, दान और तप। अर्जुन ने माने पूछा, भगवान आप बताइए ना, आप क्या कहते हैं? देखो जी, अब ये श्लोक आ गया 14। निश्चयम शुरु में तत्र, चौथा श्लोक, हे पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र मतलब, पुरुष व्याघ्र मतलब जैसे व्याघ्र के आने पर सब लोग डरने लगते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम्हारे अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि अच्छे अच्छे योद्धा भी तुम्हारे आने पर क्या होते हैं, कांपने लगते हैं। तो ये एक पुरुष का विशेषण, उसको क्या दिया गया? पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र इव, व्याघ्र की तरीके से है। कौन? पुरुष। हे पुरुष व्याघ्र, मैं तो ये कहता हूं कि त्याग तीन प्रकार का होता है। अब देखो भगवान ने कहां मोड़ दिया, चर्चा कहां से चली है? संन्यास और त्याग, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, सर्व कर्म फल त्यागम, त्यागम। कुछ लोगों ने क्या बोला? यज्ञ सभी कर्म छोड़ देने चाहिए। कुछ मनीषी ने कहा यज्ञ, तपह, दान को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन पूछता है आप क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? तीन प्रकार का त्याग होता है, ये जानो। क्या बोला? निश्चयम शुरु, शुरु मतलब सुनो, अब मैं तुमको बताता हूं। देखो जी, तत्र त्यागे भरत सत्तम त्रिविध। हे भरत सत्तम, भरत वंश में श्रेष्ठ, त्याग तीन प्रकार का होता है, त्रिविध, तीन प्रकार का त्याग होता है, उसको जान लो और फिर यह निश्चय करो कि छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। क्या सुंदर बात। बोले प्रातः काल उठना चाहिए, बोले मैंने इसका त्याग कर दिया। अभिवादन करना चाहिए, बोले मैंने इसका त्याग कर दिया है। तो अब यह जो त्याग है, यह कैसा कहलाएगा? तामसिक त्याग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? माता पिता के सामने झुकना, बोले नहीं ये सबका त्याग कर चुका हूं, मैं तो संन्यास में प्रतिष्ठित हूं। तो आप समझ लो फिर जो ये त्याग है कैसा कहलाएगा? त्याग, तामसिक त्याग कहलाएगा। भगवान ने कहा पहले ये जानो कि त्याग के तीन प्रकार हैं, और तीन ही नहीं, अब तीन के भी कितने हो जाएंगे? यज्ञ के तीन, तप के तीन, और भगवान अपने विषय पर मैंने आपको दिलाया था गुण मीमांसा जो है, भगवान क्या कर देंगे? चालू कर देंगे। देखते हैं कर।